बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ बीनर सलीम। अपने स्टूडियो में आज मौजूद नहीं हूँ क्योंकि आप लोगों ने एक दो रोज़ पहले, इनफैक्ट अगर एग्जैक्टली मैं बात करूँ तो दो रोज़ पहले आपने एक धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी और सुनी थी। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने काफ़ी थरथरली मचा दी, काफ़ी ज़्यादा तहलका मचा दिया, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे सुहेल ज़िया भट्ट साहब। मुझे ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि सुहेल ज़िया भट्ट साहब कौन है, वो खुद आपको बताएंगे कि लेटेस्ट करंट उनका स्टेटस क्या है। क्योंकि मैं ज़रा थोड़े से अल्फाज मेरे पास कम पड़ रहे हैं कि मैं उनको क्या कहूँ कि वो पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में थे या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में हैं, एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं या एक नई पार्टी बना ली है। ये तमाम सवालों के जवाब मैं सुहेल ज़िया भट्ट साहब से ही लूंगी, तो डायरेक्टली उनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। बहुत मेहरबानी, आप वक्त निकाल के आई। चलें जी, बहुत शुक्रिया भाई। जाहिर सी बात है, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी धमाकेदार थी कि हम मजबूर हो गए आने के लिए, क्योंकि आपने मियाँ साहब के साथ रिश्तेदारी तो आपकी है ही है, साथ ही साथ आपने जिला वतनी भी काटी, बहुत लॉयल रहे, कड़े वक्त में उनके साथ रहे। ऐसा क्या हो गया? पिछले साल भी ऐसा हुआ कि आपने कहा कि मैं अलम का बगावत नहीं, उनके साथ रहा, मैं तो जेलों में रहा। सही। मैं हर जो मुश्किल मरहले आए, चाहे बेनजीर भट्टो साहब के दौर में हो, चाहे वो भट्टू साहब के दौर हो और चाहे वो मुशर्रफ का दौर हो, हर दौर में मैंने अलम जो हक है, वो बगावत नहीं, अलम हक जो है अपनी दोस्ती का, अपनी वफादारी का, अपनी पार्टी के लीडर के साथ मैंने निभाया है। हर बुरे से बुरा वक्त जेलें देखी हैं, रेल भी देखी है और एग्जाइल भी देखा है। पूरी दुनिया में मैंने मुस्लिम लीग के लिए काम किया था और मुझे इस पर कोई रिग्रेट नहीं है। मैं उसी तजर्बे की बिना पर कोई अजीजदारी या रिश्तेदारी, उनकी तो अपने अजीजों में कई दफ़ा मामलात होते रहे हैं, मेरा ऐसा कोई उनके साथ रिश्ता नहीं है। अच्छा। मेरा उनके साथ जो रिश्ता है वो अजल से है और अब तक रहेगा। वो मेरा कोई उनके साथ, मियां नवाज शरीफ के साथ मेरी कोई मुखालफत नहीं है। मैं अपने 20 करोड़ अवाम के लिए, आपके लिए, इन लोगों के लिए, आप सुन लें ना, इन लोगों के लिए, सवाल करने का तो हक मुझे दीजिए। पहले मेरी बात खत्म होने दीजिए। लेकिन वो रिश्ता ऐसा कौन सा है जो अजल से आपने कहा अबद तक है, अभी अबद हुई नहीं है, बीच में ये दूसरी दफा आपका रिश्ता टूटा है? एक पिछले साल आपने कहा कि मैं बगावत का जो अलम है वो बुलंद कर रहा हूँ। किसने आपको कहा बगावत? आपने सर अभी, मैंने कोई बगावत की ना नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस का कल मेरे एक अल्हम्दुलिल्लाह मजदूरों का दिन मना रहे थे, मैंने तकरीर की, ये मेरी तकरीर सुने। ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस दिन मैं करूंगा उस दिन करूंगा। चलिए, उस दिन आप सवाल कीजिएगा। चलिए, तो जो आपने तकरीर की उसी को बेस रख के सवाल कर सकते हैं। करें, हाँ, जो मैंने कल आपने कहा कि आप पंजाब में, आप लाहौर के तख्ते लाहौर के खिलाफ आप बगावत का अलम बुलंद कर रहे हैं। बगावत का लफ्ज आप डाल रही है। मैंने ये कहा था कि ये तख्ते लाहौर जो है ये किसी की विरासत नहीं है, ये किसी की जायदाद नहीं है, ये किसी की मिरास नहीं है। ठीक है, मेरे लाहौर शहरियों का ये शहर है, इसके 12 दरवाजे हैं, एक मोरी है, मैं उस उनका बेटा हूँ, उस शहर का बेटा हूँ, मुझे मेरा भी हक है। तो इसलिए कुछ किसी को ये कहे कि कोई ये तख्ते लाहौर जो आपने बनाया हुआ है, तख्ते लाहौर क्या है? इंशाल्लाह ताला ये लाहौर हमारा है, मैं उसका बेटा हूँ और मुझे, मैं उसके जो आने वाले जो हमारी बेटियां हैं, बेटे हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो मजदूर हैं, हमारे जो मजलूम हैं, हमारे जो नादार हैं, हमारे जो जिनके वसाइल कम हैं, जो छाबड़ी लगाते हैं, जो रेड़ी चलाते हैं, जो जो छोटी छोटी दुकानें चला रहे हैं, जो छोटे छोटे कारोबार कर रहे हैं, जो इस शहर के बासी हैं जिन्होंने इसको आबाद रखा हुआ है, और उस आप उनकी आवाज हैं, आप ये कहना चाहिए। मैं उनके हकूक के लिए निकला हूँ। ठीक है, आप पीएमएलएन में, नहीं नहीं सर, आप पीएमएलएन में हैं कि नहीं है? आपको, मैंने अपनी पार्टी बनाई है बाबा, मेरा क्या नाम है सर पार्टी का? पार्टी का क्या? आवाम पार्टी, आप कहाँ पर बैठी हैं? मेरे सेक्रेटरी पे बैठे सर, लेकिन आपके मुंह से सुनना सर ज्यादा बेहतर लगता है ना, एक मोहर लग जाती है सर, तस्दीक हो जाएगी ना। तो मोहर तो सबत हो चुकी है, अब आप इस सवाल को छोड़ दे, ये आम आवाम की आवाज है, ये जो पाकिस्तान के 20 करोड़ लोग है, ये उनकी पार्टी है। वापस सर अजल से अबद वाले रिश्ते पे, जुमला बड़ा अच्छा था सर, मुझे पसंद आया, इसीलिए मैं उसको ग्रिल करना चाहती हूँ। अजल से अबद तक का रिश्ता, हाँ। ऐसा क्या हो गया कि आपने नून लीग को खैरबाद कह करके एक नई पार्टी, आम आवाम पार्टी बनाने का फैसला किया? बहुत आप उलझाने की कोशिश कर रही है। मैंने एक सीधा सवाल, आपने सवाल किया था, मैंने आपको बता दिया, रिश्ते जो होते हैं वो मसनू ही नहीं होते। मैंने जिंदगी में कभी भी
ना पार्टी बदली थी, ठीक है, ना मैंने जब मुझे चार वजारतों की वटों के दौर में ऑफर हुई तो मैंने 22 महीने जेल में काट लिए। कौन है मुझे मिसाल तो दिखाएं। नहीं नहीं सर, ये, आपकी स्ट्रगल ये जितनी जितनी भी मुस्लिम लीग है, जितनी भी दूसरे पार्टियों के बड़े बड़े जो आज जगादर बने हुए हैं, वे सब एक पार्टी से शिलांग गई उधर, उधर से जबल गई उधर, कभी इधर कभी उधर। ये जिसे आप लोग अपने आम सादा लोग लोटा कहते हैं, ये तो वो कल्चर है। अगर लोटा नहीं है तो वो लोग हैं जो मेरी पार्टी में आएंगे, जो पहली दफा इलेक्शन लड़ेंगे और कामयाब होंगे और आपकी खिदमत करेंगे, वो आपकी गली से होंगे, आपके मोहल्ले से होंगे, आपकी बस्ती से होंगे, आपकी वो सोसाइटी से होंगे, आपके गांव से होंगे। आप पीएमएलएल में रहकर ये काम नहीं कर पा रहे थे? कौन कर सकता है? ऐसा क्या जिस है गाड़ी जो भी गाड़ी होगी, जो भी ट्रेन कराची जाएगी, उसका ड्राइवर जो होगा वही उसको ट्रेन को चलाएगा कि डब्बे चलाने शुरू कर देंगे? अब हमने अपनी एक छोटी सी गाड़ी, एक छोटी सी अपनी अवाम की तर्जमान पार्टी बनाई है, जिसमें हमें कोई एक हमने एक नई रकम जो है वो तारीख करने जा रहे हैं यहाँ पर, कि हम ऐसे लोगों को जिनको कभी किसी ने अपना अजीज भी नहीं माना। सर तारीख जब रकम होती है वो रेवोल्यूशन मांगती है, तो ये रेवोल्यूशन नहीं है सर। रेवोल्यूशन का बेस क्या है? सवाल से भागिए मत सर, सवाल से भागिए मत, सवाल से मत भागिए। रीजन क्या है, शिकायतें क्या है? आपको मैं भागने वाला लगता हूँ? लग नहीं रही, इसलिए पूछ रही हूँ सर, सीधा पूछ रही हूँ। आप इस तरह के सवाल, क्योंकि सर आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे, साथ ना लगाए सर, सवाल का जवाब भी नहीं मुझे मिल रहा सर। मैं वो वजीर नहीं, मैं वो वजीर नहीं हूँ जिसने चार पार्टियां बदली होती हैं, ठीक है। मैं वो सियासतदान नहीं हूँ जिसने अपनी पार्टी भी तो माँ होती है ना, बिल्कुल। मैंने अपनी माँ समझकर अपनी पार्टी की खिदमत की थी, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं था। मैंने जेलें भी काटी, मैंने प्रदेश भी देखा, मैंने एग्जाइल भी देखी, मैंने अपने जो फाइनेंशियली क्राइसिस भी देखे, मैं हर चीज जो है वो देकर ये कुर्बानी, ये मुकाम ऐसे नहीं हासिल किया। ये खादिम मुस्तफा बना है, कोई वजीर तो नहीं कभी बना, ना मैं कभी सफीर बना हूं, ना मैंने कभी टिकट के लिए लड़ाई की। मेरे अगर वाकई मेरी पार्टी में जो हुक्म किया, जब भी किया उसको मनोवन तस्लीम किया, मैंने उनके खिलाफ तो नहीं पार्टी बनाई किसी के, ना मेरा इख्तलाफ राय किसी पार्टी के लीडर से नहीं है, ठीक है। ये एक नई चीज है, ओके। हमारा मैनोफेस्टो तो देखे ना, मेरा मैनोफेस्टो ये है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा है कि काले को गोरे पर और गोरे को काले पर कोई फौकियत नहीं, और अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर कोई फौकियत नहीं। यानी अगर आज के दौर में बात करूं तो फेवरेटिज्म नहीं है आपकी पार्टी में, फेवरेटिज्म नहीं। सुन लेना, और बचपन की वो नजम है जो सबने हमने पढ़ी है, बड़ी आम सी नजम है, वो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्द मंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, वो अब लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, आपने पढ़ी हुई है। गरीबों का दर्द दिल तो मियां बरादरान भी बहुत ज्यादा रखते हैं, वो देखें आए रोज, कभी लैपटॉप्स निकाल रहे हैं, कभी स्कूल्स निकाल रहे हैं। सर आप जैसा लॉयल कारकुन अगर एक अपनी नई पार्टी बनाने पर मजबूर है, तो हम फिर मजबूर होते हैं आपके पास आने के लिए और सवाल उठाने के लिए कि पीएमएलएन में ऐसी क्या खराबियां हो गई। क्या आपने प्राइम मिनिस्टर साहब नवाज शरीफ साहब को अपने तहफ़ुज़ात से आगाह किया था एक पार्टी नहीं बनाने से पहले? जब बच्चा जुबान ने ना खोलता तो माँ को पता होता है ये रो रहा है, इसको दूध पिलाना है। आप अच्छी समझदार, इतनी बड़ी एंकर है, बड़ी तेज तरार, लेकिन आपको ये भी नहीं पता कि मैंने गिला करना था किसी से, या मेरा कोई गिला है? मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप मुझे बार बार रिश्तेदारी में, पार्टी में और इन चीजों की पूछ रहे हैं। मैंने कुछ किसी के खिलाफ, सर जब भी कोई कदम उठाया जाता है उसके पीछे एक रीजन होती है, एक रीजन है। आपने आवाम के लिए कदम उठाया, करीम आवाम के लिए कदम उठाया? नहीं, मैंने आम आवाम के लिए, ओके, आम आवाम के लिए जो मेहनत कर रहा है, जो आप सुने, जो आपका मुल्क चला रहे हैं, जो प्रदेश में, सऊदी अरब में, मिडल ईस्ट में, यूरोप में, अमेरिका में, सारी दुनिया में, जापान, कोरिया, जहां मर्जी है पाकिस्तानी, वहां से रेमिटेंस भेज रहे हैं, आपका बजट तो वो चला रहे हैं। वही तो है जो मेहनत का है, वही तो है जो जाके प्रदेश ना मेरी पार्टी में कोई कारकुन है, ना हम गरीब का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ना हम जात को, ना जात को पेशे के साथ मुंसलिक करते हैं। अच्छी बात है। मेरा इनकलाब आम आवाम की हालत को, और उनको ये सारी 70 साल से ये पिस रहे हैं, ये चीख रहे हैं, इनके घरों के चूल्हे नहीं जलते, इनका बजट नहीं बनता, इनके बच्चे दाखिल नहीं होते,
इनको मेडिसिन नहीं मिलती, इनको बहुत सारी तकलीफें, तो ये खुदा है, मैं इनको ला रहा हूँ, मैं किसी एमपी और एमएनए को अपनी पार्टी पे टिकट ही नहीं दे रहा। तो सर मेरा आप... तो एक बेटा, मैं उसको भी टिकट नहीं दे रहा। तो फिर आप अपनी पार्टी को, ये जो आम अवाम पार्टी, नहीं, नहीं, आम अवाम पार्टी जो है, जो आपकी नई पार्टी है, इसको आप वोटर के अंदर कैसे मुतारिफ कराएंगे? क्या डेंट डाल सकती है आपकी पार्टी पूरे लाहौर में, पूरे पंजाब में पीएमएलएन के वोट बैंक पर? मेरे मुंह से मियां मिठू बनाना चाहते हैं, इलेक्शन आएगा सर, बताए ना, आप मौका मिल रहा है, बता दीजिए। देख रहे, मैं आपको आज बता रहा हूँ ना कि 2018 का इलेक्शन हम जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। कैसे है सर? है? कैसे? ये तो हर चीज आज आपको बता दूं। नहीं सर, आपने पार्टी बना ली, आम आवाम पार्टी आप बना रहे हैं, अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला के साथ आपने शेयर किया, प्लानिंग तो की होगी ना? सुने, अल्लाह ताला के साथ कमिटमेंट है, किसी बंदे के साथ नहीं। और अल्लाह ताला तो तिल मुल्का बंत शाओ व तुजो बंत शाओ व तुजिलो बंत शाओ बिजदकल खैर इन्ना काला कुल्ले शाहिद के दिन, ये अल्लाह ताला, और तुलिजुल लैल फिल नहारे व तुलिजुल नहारे फिल लैल व तुखरुजुल हय्या मिनल मय्यत व तुखरुजुल मय्या मिनल हय्य व तरजुकु मन तशाओ बिगैर हिसाब। अल्लाह ताला ने, मैंने जो कल जुमले कहे वो उसको दोहराए, मैंने कहा ये मेरी अबाबीले हैं, और ये जो बड़े बड़े सियासी जुगादड़ है ना, जो वज़रा हैं, जो सफीर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी खानदानी वरासतें और खानदानी उनका अंपायर्स हैं, और उनकी वो क्या उसको कहते हैं, खानदानी सियासत उनके घर की चौकट की लौंडिया है, ये इंशाल्लाह ताला मेरी अबाबीले उन हाथियों को गिराएंगी, आपके सामने होगा सर। ये जो दे नजारा, वक्त तो आने दे, अभी तो देखिए होता है क्या, अभी बिल्कुल तो... बिल्कुल देखिए आगे होता है क्या, बिल्कुल आपने बजा फरमाया। लेकिन जो आप सारी बातें कर रहे हैं ना, जो आपने कल भी ये सारी बातें की, परसों गालिबन आपने सारी बातें जो दोहराई हैं आज मेरे शो के अंदर दोबारा, सर ये कहीं ना कहीं एक डिससैटिस्फैक्शन शो करती हैं कि आप मुतमिन नहीं रहे हैं अपनी पिछली पार्टी से या पीएमएलएन से। कि आगे देखिए क्या आपके रबते हैं। आप मुझे कोई एक ऐसी बात बता दें जिससे आपको ये सवाल आपका जो है वो सही हो। देखिए सुहेल जियाबट साहब, मेरी कोई स्टेटमेंट जी, बिल्कुल, अब आपने मुझसे सवाल किया ना, जवाब तो ले लेना। मैं अगर एक जगह पे जॉब कर रही हूँ, एक शो कर रही हूँ, मेरा शो अच्छा चल रहा है, आप देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं जगह क्यों चेंज करूंगी? मैं तभी जगह चेंज करूंगी, मैं तभी मूव करूंगी जब मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, मुझे मेरी मर्जी का काम नहीं दिया जाएगा, मुझे खुशी नहीं मिलेगी, मेरे मकासद हासिल नहीं होंगे। आपके तमाम ये शो करती है कि आपके मकासद हासिल नहीं हो रहे। अभी मुझे आप बताएं जी, आप शो कर रही है ना, आपकी एक जिम्मेदारी है। बिल्कुल, मेरी क्या जिम्मेदारी थी मुस्लिम लीग में, जरा आप बता दें। आपको दी नहीं गई थी? नहीं, मुझे आप बताए ना पहले, फिर आपकी क्या इन्फॉर्मेशन सर? पार्टी के अंदर सवाल कर रही है सर, पार्टी के अंदर के मामलात मैं कैसे बता सकती हूँ? नहीं, पार्टी के मामलात नहीं है। आपके पास आज तक कोई वजारत आई नहीं, वजारत आपको आज तक कोई मिली नहीं। मुझे ओहदा बता दें, अंदर के मुझे ओहदा बता दें सर, ये आप बताए ना, आपके क्या मेरे पास क्या ओहदा था, क्या बताए ना, क्या मैंने कोई इस्तीफा दिया है पार्टी से, या मैंने कोई अपनी खैर बात तो कह दिया सर? किसको खैर बात का? पीएमएलएन को। या अभी चार दिन हुए मैं मियां नवाज शरीफ साहब से उनकी सेहत के मुतालिक उनके घर गया, मिला हूँ उनके फैमिली के साथ, वो मेरी फैमिली की तरह। लेकिन पॉलिटिकली तो सर राहें जुदा हो गई ना। पॉलिटिकली क्या सर, आप अलग पार्टी एग्जैक्टली हाँ मुझे जरूरत है। क्या ये ओके, क्या ये पार्टी पीएमएलएन की छोटी पार्टी है, या क्या ये पाकिस्तान, मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये पाकिस्तान की 20 करोड़ छोटी लोग थोड़े लोग है, आप चंद पार्टी, हर पार्टी के चंद लोग ही है ना, कुछ परसेंट है ना, तो ये तो पूरी आवाम के लिए मैंने एक ऐसा, आप मुझे सबसे ज्यादा दुख उस वक्त होता है जब एक बेटी वैगन से उतरकर चिंची पर बैठकर, फिर चिंची से उतरकर वो बस पे बैठ के अपनी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने जाती है, तो मेट्रो ना भाई होता है ना, देखे मजबूरी है सर, मेट्रो बसेस तो बनाई है ना, सुने ना, मेट्रो ऑरेंज ट्रेन भी बन रही है, मेरी बात सुने, मेट्रो जो है उस पर मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं जो अच्छा काम कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, लेकिन हम तो बहुत ही अच्छा करने के लिए निकले हैं। अच्छी बात, और सबसे पहले सियासत को साफ करेंगे कैसे? हाँ, ये बात, सवाल ये है ना जी जी, अवाम, अवाम के साथ जवाब, आम अवाम का मतलब क्या है? ये आम अवाम उठेगी, और ये बड़ी क्रूजरें, ये जो गनमैन, बॉडीगार्ड्स, और ये जो वीआईपी कल्चर है, वो हमारे हमारे लोग तो कोई, मेरे ख्याल में कई ऐसे भी टिकट होल्डर होंगे जो एमएनए का इलेक्शन लड़ रहे होंगे और खोती रेड़ी पर जा रहे होंगे वोट मांगने के लिए, क्योंकि हमने पैसा लगाना ही नहीं, अवाम को शऊर देना है
कि आपने 70 साल इनके हाथों में खेले हैं। जो सियासतदान सर जो पीटीआई शाउट दे रही है उसमें कोई कमी रह गई है? वो भी बहुत शाउट दे रही है, जल्द से जुलूस, अवामी रैली। फिर से करवाना चाहती है मैं पीटीआई की बुराइयां बयान सर? बुराई नहीं, आपके कॉम्पिटिटर्स हैं। सिद्धि जी गल है, तुम एक नवी पार्टी बनाइए, जिन्नी हूं पुरानी पार्टियां है ने, जो पार्टी अभी एग्जिस्ट कर रही है वो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, आपको उनसे एक कदम आगे चलना पड़ेगा, तभी ये 20 करोड़ आवाम, 18 करोड़ आवाम या 22 करोड़ आवाम तक आपकी रसाई होगी। जो कुछ तमाशा इन पार्टियों ने अदालतों के बाहर गली और शहरों और दूसरे मुल्कों में एक दूसरे के खिलाफ जो कुछ कर रहे हैं, कोई अच्छी बात है? हम तो किसी को बुरा कहते नहीं ना, बुरा हम कितने बुरे हैं, अपने अच्छा बन के दिखाए। मेरी आवाम जो है वो इस चीज का तकाजा करती है कि क्या जो अब एक अरब रुपया तो एक इलेक्शन में अभी जिमनी में लग गया लाहौर में, आपको क्या रेडी वाला कभी इलेक्शन बट के नाम पर एक फाउंडेशन बना लेते हैं आपके? माशाल्लाह जो क्यों फाउंडेशन बनाओ सर, आप जो खिदमत करना चाहते हैं, हमने पाकिस्तान में आम आवाम की हुकूमत कायम कर दी है, आप फाउंडेशन क्या सर कैसे करेंगे? यही तो मैं आपसे प्लान पूछ रही हूं, आप क्या क्या आप कोई एमएनए लेंगे नहीं, आप कोई पार्लियामेंटेरियन लेंगे नहीं, मैं नहीं लूंगा। आवाम तक रसाई कैसे करेंगे, आवाम को कैसे कन्विंस करेंगे? आवाम को लूंगा, आम आवाम पार्टी अब आपकी पार्टी है। मेरी बात सुने, आवाम को लूंगा, उनके गली और मोहल्ले से लूंगा, उनमें से लूंगा जो उनकी खिदमत करने वाला होगा। ये तो नहीं कि किसी बड़े अपना जो पुराने सियासतदान है उनके आप मिल सकते हैं उनको। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। शाबाश। और आप देखेंगे कि ये आम सादा लोग बड़े बड़े जो बुर्ज है ना वो गिरा देंगे इलेक्शन में, और ये सब कुछ अल्लाह की जो है ना नुसरत और फतह, उसके बलबोते पर मैं कह रहा हूँ, और आवाम का तावन होगा। अच्छी बात। लोग कहेंगे अब 70 साल हमने सब पार्टियों को देख ली है, कोई किसी की हेलीकॉप्टर में चल रहा है, कोई किसी का जहाज इस्तेमाल कर रहा है, ये क्या है? चलिए बट भी आपको जमीन पर और आम लोगों में, मैं एक ब्रेक लेने जा रही हूँ सर, मैं बट साहब एक ब्रेक लेने की मुझे इजाजत दीजिए जी, बिल्कुल नहीं, अभी एक ही ब्रेक लूंगी और जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़े जा रही हूँ। मुझे ये जरूर बताइएगा कि आपने अभी तक कितने इलेक्शन कंटेस्ट किए हैं, खुद आपने कितने इलेक्शन लड़े हैं, ताकि आप अपनी पार्टी को और अपनी जो पार्टी के जो भी लोग आपकी पार्टी से मुंसलिक होंगे, जिनको आप ये ख्वाब दिखा रहे हैं, और बहुत अच्छा उमदा ख्वाब है, इसको सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन क्या है आपके पास कि आवाम आपके पास आएगी पीएमएलएन को छोड़ के, पीपल्स पार्टी को छोड़ के, पीटीआई को छोड़ के? जरा अपनी थोड़ी मुझे स्टोरी बताइएगा ना सर, मैं ब्रेक ले लूँ ना सर, ब्रेक ले लूँ सर, ब्रेक तो ले लेना, कुछ बातें ब्रेक के बाद, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो सुहेल जिया भट्ट से मैं कोशिश करूंगी कि मैं वो जवाब ले सकूँ जो सवाल मेरे दिमाग में है और जो मैं सवाल लेकर आई हूँ। अभी थोड़ा सा भाग रहे हैं सवालों से, लेकिन एक ब्रेक, विल बी राइट बैक शॉर्टली। ब्रेक के बाद जी एक दफा फिर से आप लोग को खुशामदीद कहते हैं, सुहेल जिया भट्ट साहब के साथ हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। बड़े नेक ख्यालात हैं, बहुत उम्दा ख्यालात हैं, और अच्छा ही हो कि तमाम पॉलिटिशियंस के ख्यालात ऐसे हो जाएं, लेकिन प्रैक्टिकली पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे अगर मैं बात करूं तो अभी भी मुझे ये चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हो रही, लेकिन फिर भी बहुत सी नेक तमन्नाएं, बहुत सी दुआएं, ऑन ऑल द वेरी बेस्ट सुहेल जिया भट्ट साहब। रिज्यूम करते हैं, इलेक्शंस कितने कंटेस्ट किए पहले ये बताइए। पहले वो जो जुमला आपने कहा कि भागने नहीं देंगे या कुछ इस तरह का, मेरे लिए वो सवाल से भागना, मैं आपके सामने बैठा हूं और मैं उस तैयारी में हूं कि जब मैंने अल्लाह ताला के हुजूर जाना है तो वहां पर भी बैसर खुरू हो जाऊं। चले फिर ना हज़फ़ कराओ ना जुमला वो। नहीं नहीं वो आपने जवाब दे दिया ना। अब मैंने जवाब दे दिया आपको, बस अब हज़फ़ नहीं होगा, ठीक है, डन हो गया। तो मकसद कहने का ये है कि मैं मेरी सियासत में जो 77 से ऑनवर्ड, मैं 71 में एमयू कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा, ठीक है, तो तब भी मैं वहां से लेकर आज तक स्टूडेंट पॉलिटिक्स, हाँ मैंने उस वक्त भी अपना एक रिकॉर्ड कायम किया था, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद ये है कि मैंने जब मियाँ साहब सियासत में आए तो मैं उनके साथ पहले दिन से गुड चला हूँ, आज तक हूँ मैं उनके साथ, मेरी कोई इख्तलाफात नहीं है, लेकिन मैं कुछ चीजें ऐसे देख रहा हूँ कि जो मेरे बस में नहीं थी, जो मैं जो पहला सवाल आपने किया है उसका जवाब दे रहा हूँ, वो लेने मेरे से कि जो मैंने कभी को पार्टी नहीं बदली, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पार्टी के साथ नहीं था, मैं नवाज शरीफ के साथ था, ओके, और मैंने हालात को ये देखा कि अब वो मुल्क के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, करने दें, उनकी अपनी एक सोच है, मैं अपने लीडर को तो नहीं ना
पढ़ा सकता, कोई टीचर को नहीं पढ़ाता, टीचर से सीखता है। मैंने बहुत कुछ सीख लिया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोड लखपत से सियासत का आगाज किया था एक आज़ाद उम्मीदवार के हिसाब से, और मैंने आज तक किसी पार्टी के साथ या कोई ऐसा मैंने कोई फायदा या कोई मेरी जात में कोई आप मुझे इल्जाम नहीं लगा सकते, ठीक है, लेकिन मैंने तकलीफें बहुत सही हैं। मेरे घर में मेरे एक भाई ने, दो भाइयों ने 18-18 महीने जेल काटी, मैंने 22 महीने एक दफा काटी, फिर 2-3-4-5-6 दफा काटी, फिर मुशर्रफ के दौर में जब आया तो मुझे 9 साल सजा हुई थी, तो वो भी मैंने फेस किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाइज्जत तौर पर बरी हुआ हूँ। ये सिर्फ तकलीफें मैंने अपने जो वफादारी में ली है और मैंने कोई मुफाद नहीं लिया। मैं एक ऐसा उस्ताद बन के उठाऊँ इतने 40-50 साल के तजर्बे के बाद, मैं अपनी कौम के नौजवानों को, गली और मोहल्ले के किसानों को और मजदूरों को और जो आम सादा लोग हैं उनके लिए मैं उनकी आवाज़ बन के कुछ करना चाहता हूँ, उनके लिए करना चाहता हूँ। अच्छी बात, इसमें मेरे कोई अपने ज़ाती अज़ाइम नहीं है और इंशाल्लाह ताला मुझे, मैं बाबांगे दोहल कह सकता हूँ कि ये अगला इलेक्शन मेरी पार्टी जीतेगी, क्योंकि ये एक नया एक इनकलाबी प्रोग्राम है, कभी किसी ने इस तरह नहीं किया होगा। लोग तो पैसे देकर, लाखों करोड़ों देकर टिकटें लेते हैं, बिल्कुल, तो हमारी तो पार्टी में ये सबसे पहली पाबंदी है कि हमने किसी ऐसे बंदे को टिकट देना ही नहीं जो लाखों करोड़ों, बिल्कुल नहीं, पैसे ऑफर करने वाला कि पैसे वाला हो, तो इसलिए सादा लोग होंगे, आम लोग होंगे, कोई अपने सर, आपके बारे में कपड़े की दुकान पर मशीन चला रहा है, हाँ। कोई कसाई की दुकान पर छुरी से गोश्त बना रहा है, कोई रेड़ी लगा रहा है, कोई परचून की दुकान चला रहा है, कोई छोटा मोटा कारोबार कर रहा है, कोई वर्कशॉप चला रहा है। मैं तो उन लोगों की आवाज हूँ जो डाउन टाउन नीचे के तबका जो है उसको मैं चाहता हूँ इम्पावर करना, ठीक है, तो इंशाल्लाह इसी लोग, ये लोग ही हैं जो आप जो जब सर आपके बारे में एक अंदर से खबर, जैसे आप जानते हैं ना हम जर्नलिस्ट हैं, हमें अंदर से खबर मिल जाती है, सोर्सेस हमें बताते हैं कि आप आसिफ अली जरदारी साहब के बहुत करीब हो रहे हैं, बहुत कुर्बत है, कोई बैकडोर कोई राबता हुआ है, कोई ऐसी भी है कि शायद आपकी पार्टी पीपल्स पार्टी में जम हो जाए या आप पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लें, इसमें ऐसी कोई बात है? जितने अच्छे अच्छे आप इल्जाम मुझ पर लगा रही है सर, ये रूमर्स हैं, सोर्सेस हमें बता रहे हैं, इसलिए तो सर आपसे पूछ रही हूँ, जवाब दीजिए। वो इसलिए जो आपके सोर्स है मुझे पता है, जिन्होंने आपको ये कहा है उन्होंने, उनको पता है कि जरदारी साहब ने मेरी यहाँ पर मजाक पूछी के लिए, जब मैं ये मेरी थोड़ी सी तकलीफ हुई थी वो खुद आना चाहते थे, उन्होंने मुझे पैगाम भिजवाया था, तो मैं अपनी उनकी उसका बड़ा मशकूर और ममनून हुआ और मैंने उनको शुक्रिया के साथ उनको दोस्तों को कहा कि मेरी तरफ से उनको शुक्रिया अदा कीजिएगा। वो भी एक सियासतदान है, मेरे आना उनको मना नहीं है, लेकिन मैं अभी किसी भी सियासी, आपने देखा मैं किसी भी सियासतदान से जो मेरे, मैं उसके घर पे चल के नहीं गया हूँ ना मैं कोई ऐसी सियासी कोई गेम कर रहा हूँ। ये बड़ा सादा सा फलसफा है जो मैंने आपको बताया है कि हमने आम लोगों की आवाज को इम्पावर करना सर, हमारी सोसाइटी का मसला, सोसाइटी को छोड़े, सोसाइटी हमारी बहुत अच्छी है, मेरी प्रॉब्लम है सर, मेरी प्रॉब्लम है, मुझे आपकी प्रॉब्लम जो है वो आपकी प्रॉब्लम इसलिए है कि अभी आप इस फलसफे को इम्पोज होते, आपने भट्टो साहब का 1970 वाला इलेक्शन देखा था, आप तो पैदा भी नहीं हुई थी, तो मेरा तो ये तजर्बा है, मेरा तो ये तजर्बा है कि मैंने उस दौर में भी जो सर वो जो भुट्टो की पार्टी वाले हैं वो भुट्टो साहब के नजरिए को लेकर आगे नहीं चल रहे हैं, अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो मैंने मैंने मैं वैसे जनरली जब आवाम उठती है, आवाम किसी के साथ बनती है चलती है तो फिर इस तरह ही होता है, बिल्कुल, हुकूमतें भी बनती है, लीडर भी बनते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसे होता है। मैं इससे अल्लाह की रहमत से कभी भी, सर आप आवाम की बात करते हैं, आप आम आवाम पार्टी की बात करते हैं, आप आम आवाम को उनके हकूक देने की बात करते हैं, सर एक इल्जाम आप पर ये भी है कि आप कब्जा माफिया हैं, कब्जे कराने हो बताओ तो नहीं नहीं सर मैंने तो सुना है सर, आपने सवाल सर जवाब तो आप बताएंगे ना, मैंने तो जो मुझे पता था सर वो तो मैंने आपसे पूछ लिया, सीधा पूछा, सीधी बात है, सीधा सवाल कर रहे हैं, सीधी आपने बात की है ना, खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहे कि आप कौन सा मसला है जो आप मेरे साथ डिस्कस कर नहीं सर सुना है तो सुना तो मैंने फिर कुछ सुना होगा तो फिर मैं तो नहीं कह सकता नहीं सर, लेकिन सुनने की बात है, अब आपके पास एक्सेस है, अगर आपने कुछ मेरे बारे में अगर आपके मुंह में किसी ने ये डालकर भेजा है
तो ये सुनना नहीं, सुनाना है। आप सुनाना चाहती है तो इल्जाम आपको इल्जाम लगाए ना सर। यही मैंने तो पूछा कि आपके बारे में कहा जाता है कि अगर कब्जा कराना हो तो सुहेल जिया भट्ट साहब को ले आओ, आपको कब्जा दिलवा देंगे, जमीन का कब्जा हो, घर का कब्जा हो, कोई भी। मुझ पर इल्जाम भी तो साबित करे कोई है, कोई है बताया। अब कोई बात ये सियासत, ये आम आदमी पार्टी की बात कर रही है आप? नहीं नहीं सर, ये आप सुहेल जिया भट्ट साहब, ये आप वो जो आपकी पार्टी अभी भी बनी है, आई एम टॉकिंग अबाउट वन एंड ओनली सुहेल जिया भट्ट साहब, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आम आवाम पार्टी। अभी पार्टी ने आगे बढ़ना है, पार्टी ने ग्रो करना, उसका फ्यूचर अलग होगा। अभी मैं सुहेल जिया भट्ट साहब की बात कर रही हूँ। मुझे देखिये, कोई बात अगर आपने मेरे साथ करनी है तो मेरे इल्जाम के साथ कीजिए, ऐसे जो है ना वो क्या उसको कहते हैं, अपना सवाल ना बनाए। सवाल का जवाब मुझे बहुत देना आता है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के, मैंने आपको पहले बताया कि मैंने अल्लाह के हजूर हाजिर होना है और मैं उसका जवाब दूं, मैं उसकी तैयारी में हूं। आप मुझ पर इस तरह के कीचड़ उठाने के लिए आप सर, अगर ये करेंगे तो वो तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकलते थे तो वो पर्सनल हो गई ना, आपने पर्सनल सवाल किया। पर्सनल ना होना, आप पार्टी का सवाल करती तो मुझे अच्छा लगता। सर सुहेल जिया भट्ट की एक स्ट्रगल है, आपने खुद सुहेल जिया भट्ट गरीबों में बता दी सर, मजबूरों और नादारों बेवाओं यतीमों की आवाज है, इसलिए मुझे जो मर्जी कह दे आप। तो सर जो मर्जी कह दे, मैं उनकी आवाज सुनता हूं। जब मैं आपसे सवाल डायरेक्ट ना पूछती और आपसे पूछे बगैर आपका मौकफ लिए बगैर, आप मुझे सर यही के लोग, सवाल क्या है सर यही के आप लोग, सर लोग ये कहते हैं कि अगर कहीं कब्जा कराना हो आप लोग नहीं, आप लोग सुहेल जिया भट्ट साहब को भेज दो सर। मैंने अपनी कौम के लिए, मैंने आवाम के लिए, मैंने सर लोगों के लिए, मैं आम आवाम लोगों की आवाज को बुलंद कर रहा हूँ। आप मुझ पर इल्जाम लगा रही है, इल्जाम का अगर कोई आपको सबूत नहीं है तो आप झूठ क्यों बोल रही है? खुदा को आपने जान देनी है सर। मैंने सिर्फ एक सवाल उठाया, सवाल उठाना, सवाल का जवाब क्या है? मुझे आप बताएं, सवाल की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आपकी पॉलिटिकल स्ट्रगल है, रीजन क्या है, रीजन बताएं सर। लोग बातें कर रहे हैं, वही रीजन है जिन लोगों ने मुझे बताया कि जी आपके आसिफ अली जरदारी साहब के साथ कुर्बत है, वही लोग जिन्होंने बताया कि आप पीएमएलएन से थोड़े खफा हैं, वही लोग जिन्होंने, वो कौन है उनका भी नाम लेना सर। लोग जिसने इल्जाम लगाया उसको साल आती, आपके मुखालफिन हो सकते हैं सर, या मुखालफिन होंगे या नहीं होंगे। अच्छा मुझे आप बताए, अच्छा क्या जिसने आपको कहा है उसको बुलाए, उसका नाम दे सर। आई एम एन एंकर, आई एम राइट टू रेज क्वेश्चन। मैंने जेलों से मान ली सर आपकी बात, आपका मौकफ आ गया सर, मौकफ आ गया आपका, मेरे ऊपर इल्जाम इस तरह का जेलों में सर, आपने जवाब दे दिया ना, आपका मौकफ आ गया, आपने क्लियर कर दिया। इल्जाम मुझे बताया ना, इल्जाम क्या था, इल्जाम भी तो बताया। आगे बढ़े नहीं, इसी पे स्टक हो जाए। अब आप मुझे देखे, जो सवाल किया है उसका जवाब मुझे, या मुझसे जवाब ले सर। मैंने आपसे जवाब तो लिया, क्या जवाब, आपने पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि गलत है। आप मुझे इल्जाम तो बताए ना, किस चीज पर आपने इतना बड़ा इल्जाम लगाया है? इल्जाम ये भी है सर, इल्जाम ये भी है कि आपकी जो पार्टी है आम आवाम पार्टी, इसका नाम आपने भारत की आम आदमी पार्टी से इंस्पायर होके रखा है, इसमें किस हद तक सदाकत है? ये सवाल आपका बनता है, ये आप उससे सर, आप मुझे क्वेश्चनियर दे देते, मैं आपसे वो सवाल कर लेती सर। अब जो सवाल कर रही हूँ उसका तो जवाब दे देते, जवाब ही तो सुन लेना जी, दीजिए जवाब। आप मुझे बताए कि उसका क्या नाम और इसका क्या नाम है? आम आदमी पार्टी और आपकी पार्टी का नाम है आम आवाम पार्टी। आम आवाम पाकिस्तान ये है हमारा। अच्छा आप भारत में हमें ले गेंगे? नहीं नहीं सर, मैंने तो पूछा सारी जिंदगी सर, सारी जिंदगी देखे आप पर्सनल। व्हाई आर यू गेटिंग पर्सनल सर? मैं तो सिर्फ सवाल उठा रही हूँ, जब मैं आपके पास इंटरव्यू करने आई हूँ मैं आपसे सवाल उठाऊंगी और आप उसका जवाब दे दीजिए उन देखने वालों को। सवाल जो होते हैं वो जो मुझ पर है उठाने चाहिए वो उठाए आप, ये नहीं है कि मैं कोई अदालत में पेश हुआ हूँ और आप उस पर इल्जाम लगा रही है, कोई सबूत भी तो देना कि ये जो आपने दूसरी बात कह दी है। अच्छा चलिए ये बताए ना, पार्टी का बड़ा अच्छा नाम है, कहाँ से आया इंस्पिरेशन, कहाँ से मिली, किसने बताया, खुद से आपने सोचा कि ये पार्टी का नाम रखना? नहीं आपने सोचा होगा, पार्टी मैंने बनाई तो मैंने सोचा। मेरा तो पॉलिटिकल नहीं, मेरा तजुर्बा, आप देखे मैंने पूछा आपको, आप 70 में पैदा भी नहीं हुई थी तो मैं उस वक्त भी तहरीक चला था हिंदुस्तान के खिलाफ जिसका नाम था क्रश इंडिया डे, और वो मेरी लीडरशिप में लाहौर मार रोड पर चलती थी हिंदुस्तान के खिलाफ। आप एक ऐसे शख्स पर इल्जाम लगाए कि वो मैं किसी हिंदुस्तानी पार्टी से मुतासर हुआ, ये तो बड़ा गलत आपका एक सोच है मेरे मुतलक। पहले आपको मेरा आने से पहले पूरा जो आपने जिस तरह मेरी नेगेटिविटी की बातें की है पॉजिटिविटी ये बताती है, ये पॉजिटिविटी है कि मैंने आपके सामने सवाल रखे, आपने उन सवालों के जवाब दिए। मंशूर आपने मुझे अपना बता दिया, अगला आपका लाहे अमल क्या है पार्टी के लिए, अपने लोगों के साथ, अपने शहर के साथ,
अपने मुल्क के साथ काम करेंगे और इंशाल्लाह ताला इस पार्टी ने इस मुल्क में इंशाल्लाह ताला एक निज़ाम जो है सही निज़ाम उसको कायम कर दें। सही निज़ाम कौन सा सर, ब्रीफ कर दें क्योंकि आखिर में फिर मुझे क्लोजिंग अच्छी सी दे दो ना मैं। हमें बहुत मेहनत कर रहे हैं और हम ऐसी एक सियासी जो ताकत बनाने जा रहे हैं कि जो बगैर पैसे के बगैर वसाइल के और लोगों की खिदमत के लिए ऐसे लोग मैदान में लाए जिसमें वो पैसा नहीं होगा, जिसमें वो बड़े बड़े जो सियासी क्या उसको कहते हैं जगादर वो नहीं होंगे, ये आम से लोग होंगे और सादा से लोग होंगे और हमें इंशाल्लाह ताला लोगों को हम मुतासर करेंगे। चलिए जी, पॉलिटिकल पार्टी सुहेल जी भट्ट साहब ने बनाई ऑल द वेरी बेस्ट, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, और सवालात इनसे और भी कड़े होंगे, चाहे मेरी तरफ से ना हो, चाहे दीगर लोगों की तरफ से हो, दीगर एंकर्स की तरफ से हो और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से हो, क्योंकि अब जो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि वो इनकी कॉम्पिटेटर हैं, तो कमर कस ले, मुकाबला सख्त होगा। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द वेरी बेस्ट, आप लोग के फीडबैक का इंतजार रहेगा। इस दुआ इस उम्मीद के साथ आपको छोड़े जाते हैं कि जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन हो। आई विल सी यू ऑल टुमारो, अल्लाह हाफिज़।